नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। अंग्रेजी का एक मशहूर व्यंगात्मक कथन है कि अगर आंकड़ों को लंबे समय तक टॉर्चर किया जाए तो वो सच या झूठ कुछ भी कबूल कर लेते हैं। शायद इसीलिए राजनीति के खिलाड़ी लाशों को नजरअंदाज करते हैं और आंकड़ों को ढाल बनाते हैं, लेकिन लाशें हर आंकड़े पर भारी पड़ती हैं और आंकड़ों का झूठ पकड़ लेती हैं। देश में कोरोना से मौत का विश्व रिकॉर्ड बन गया है। एक दिन में 6,138 मौतों का आंकड़ा सामने आया है और इसमें बहुत बड़ा हिस्सा बिहार की पुरानी मौतों का है। बिहार ने अचानक मौतों की संख्या में 72% की बढ़ोतरी कर दी। आप इसे भूल सुधार कह सकते हैं और मृत्यु घोटाला भी कह सकते हैं। आज हम मौत का रजिस्टर खोलेंगे और इस आंकड़ेबाजी का दर्दनाक सच आपके सामने रखेंगे। कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद भी कई लोग कोरोना पॉजिटिव क्यों और कैसे हो रहे हैं, इसका जवाब आज हम आपको खबरदार में देंगे। एम्स ने कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट पर स्टडी की है, जिसमें पता चला है कि वैक्सीन लगवाने के बाद भी जिन लोगों में कोरोना संक्रमण हो रहा है उसका एक बड़ा जिम्मेदार वायरस का डेल्टा वेरिएंट है। इसके अलावा बच्चों को कोरोना से बचाने के लिए सरकार ने जो गाइडलाइंस जारी की हैं उसके 3 सबसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं और तीसरी लहर की तैयारी का क्या सीन है, ये सब आपको हमारी रिपोर्ट में देखने को मिलेगा। पाकिस्तान में एक टीवी शो की रिकॉर्डिंग के दौरान मारा गया थप्पड़ दुनिया भर में ट्रेंड कर रहा है। बहस के दौरान इमरान खान की करीबी नेता को इतना गुस्सा क्यों आया कि उन्होंने पाकिस्तानी सांसद को थप्पड़ मार दिया। कोरोना काल में भी पाकिस्तान दुनिया का मनोरंजन करता रहता है, इसके डिटेल आपको हम बताएंगे। और शुरू में ही आपको एक्स्ट्रा खबरदार भी कर देते हैं। साइबेरिया में एक बहुत ही छोटे जीव की गतिविधि रिकॉर्ड हुई है। ये जीव 24,000 साल से डीप फ्रीज में था, यानी जमा हुआ था, लेकिन इसके बाद भी यह बच गया और इसने प्रजनन करना शुरू कर दिया। इस जीव का नाम है डेलॉयड रोटिफायर। माना जाता है कि ऐसे जीव अत्यंत ठंडे माहौल में अधिकतम 10 साल तक जिंदा रह सकते हैं, लेकिन यह घटना अनोखी है। दुनिया भर के वैज्ञानिकों की नजर इस पर है और नाइजीरिया ने ट्विटर को बैन करने के बाद भारतीय ऐप कू को शुरू करने की अनुमति दे दी है। नाइजीरिया के राष्ट्रपति के एक पोस्ट को हटाने से नाराज वहां की सरकार ने ट्विटर को अनिश्चित काल के लिए बैन किया हुआ है। शुरुआत बिहार से। भारत में कोरोना से 3.5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और ये दुनिया में अमेरिका और ब्राजील के बाद सबसे अधिक है। लेकिन दूसरी लहर के बीच ये सवाल लगातार उठता रहा है कि क्या भारत में मौत के आंकड़े की अंडर रिपोर्टिंग हुई है, यानी कोरोना से मौत का जो आंकड़ा सरकारें बता रही हैं क्या वो आंकड़ा गलत है और क्या इससे कहीं ज्यादा मौतें हुई हैं। इन सवालों के बीच देश में पहला ऐसा मामला आया है जब किसी राज्य ने पुरानी मौतों की गिनती करके मौत के आंकड़ों को अपडेट कर दिया। ये राज्य बिहार है, जहां पर कोरोना से मौत का कुल आंकड़ा 72% तक बढ़ गया। कोरोना से मौत के मामले में बिहार पहले देश में 12वें नंबर पर था, नई गिनती के बाद वो 5वें नंबर पर पहुंच गया है। लेकिन इससे सवाल ये उठे कि क्या मौत के आंकड़ों में गड़बड़ की गई। इससे उन आरोपों को भी बल मिला कि दूसरी लहर में मौत के आंकड़े छुपाए गए, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जो सरकारें मौत के आंकड़ों में हेरा फेरी के आरोपों को खारिज कर रही थी उनमें से बिहार ने मौतों की फिर से गिनती शुरू कर दी और पुरानी मौतों को जोड़ना शुरू किया। क्या यह किसी मजबूरी में किया गया, कैसे इन पुरानी मौतों का पता लगाया गया, आज हम सबसे पहले आपको यही बताते हैं। बक्सर में गंगा किनारे लाशें तैर रही थी, सबने देखा। पटना में दिन रात शमशान धड़क रहे थे, सबने देखा। दूसरी लहर में घर के घर तबाह हो रहे थे, सबने देखा। लेकिन जिन्होंने ये नहीं देखा, देखकर भी नहीं माना, अब उन्हीं के नए आंकड़े, अब उन्हीं की नई गिनती बिहार में कोरोना से तबाही की सबसे बड़ी गवाही है। 7 जून तक बिहार में कोरोना से मौत का आंकड़ा 5,424 का था। अगले ही दिन 8 जून को यह आंकड़ा अचानक 9,429 हो गया, यानी एक ही दिन में मौत का आंकड़ा 3,951 तक बढ़ गया। एक दिन में यह कैसे हो गया, कैसे अचानक इतनी मौतें बढ़ गई, ये सवाल उठे तो पता चला कि ये पुरानी मौतें हैं जिन्हें अब जोड़ा गया है। लेकिन फिर यह पूछा गया कि जिन मौतों को अब गिना उन्हें पहले क्यों नहीं बताया गया था। क्या पहले इसमें कोई कोताही आपको नजर आती है अधिकारियों की, जिन्होंने संख्या में इस तरह से कमी कर दी और आज ये
सरकार के सामने इतनी बड़ी संख्या में? नहीं देखिए, ये बहुत बड़ी महामारी आई थी और आप सब लोग उसके गवाह हैं कि इस आपदा के समय में संपूर्ण प्रशासन लोगों को बचाने में लगा था। फिर भी सरकार के स्तर से ये कहा गया है कि यदि किसी भी स्तर पे किसी व्यक्ति के द्वारा लापरवाही समझ में आएगी तो उस पर कार्रवाई भी होगी। इससे अजीब बात और क्या होगी, जब सफाई ये दी जाए कि महामारी बहुत बड़ी थी, सरकार लोगों को बचाने में लगी थी, इसलिए मौत के आंकड़े में भूल चूक हो गई होगी। मौत के नए आंकड़े पर तो खुद सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। कोरोना का दूसरा फेज आया, उसमें बहुत तेजी से संक्रमण के केस भी बढ़े और मृत्यु भी अधिक हुई थी, और जो सारे आंकड़े प्रतिदिन आते थे, जिला स्तर पर सबकी मॉनिटरिंग होती है और जिला स्तर पे जिलाधिकारियों से आप सब लोगों के माध्यम से बातें आई थी कि कोरोना के कारण मृत्यु और भी हुए होंगे, लोगों से भी इस तरह की जानकारी मिलती थी कि और भी लोगों की मृत्यु हुई है, तो फिर सभी जिलाधिकारियों से ये कहा गया कि पूरा विस्तृत तरीके से रिपोर्ट तैयार करें कि उनके जिले में कोरोना पॉजिटिव के कारण कितने लोगों की मृत्यु हुई है, और पिछले 15 लगभग दिनों में ये सारे काम करवाए गए 15 से 20 दिनों में, और उसके बाद जो आंकड़ा आया वो बताया गया। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री कुछ भी सफाई दें, लेकिन कोरोना से मौत के आंकड़े छुपाने का आरोप बिहार सरकार पर इसलिए भी लग रहा है क्योंकि मौत का यह नया आंकड़ा अचानक नहीं आया है। 17 मई को पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को ऑर्डर दिया था कि वो कोरोना की दूसरी लहर में हुई मौतों को अपने हर सोर्स से रीवेरीफाई करे, रिवाइज करे। ये ऑर्डर इसलिए दिया गया था क्योंकि कोरोना से हुई मौतों पर अलग अलग आंकड़े दिए जा रहे थे, जैसे बक्सर में कोरोना से मौत पर दो अलग अलग रिपोर्ट थी। मुख्य सचिव की रिपोर्ट में ये कहा गया कि बक्सर में 1 से 13 मई के बीच 6 लोगों की मौत हुई, जबकि पटना से जो रिपोर्ट भेजी गई थी उसमें बताया गया कि इस दौरान बक्सर के शमशान में 789 लाशें जलाई गई। अब अगर मौत के आंकड़े में इतना बड़ा अंतर होगा तो इसकी जांच, इसका ऑडिट तो होना ही चाहिए था, क्योंकि सवाल उठ रहे थे कि क्या मौत का आंकड़ा जानबूझकर छुपाया जा रहा है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद 20 दिन में सरकार ने कोरोना से हुई मौतों का ऑडिट किया, जिसमें यह पाया गया कि करीब 73% मौतें रिपोर्ट ही नहीं की गईं, जिन्हें अब मौत के कुल आंकड़े में जोड़ा गया। वेरीफाई करने के बाद पटना में 1070 मौतें, बेगूसराय में 316, मुजफ्फरपुर में 314 और नालंदा में 222 मौतें जोड़ी गई। आपदा में अवसर को तलाशना कोई बिहार सरकार से सीखे, खुद सरकार ने बिहार में कोरोना से लेकर जो मौत हुई, पटना से लेकर विभिन्न इलाकों में, उसको लेकर कल तक झूठ बोल रही थी। पटना का ही अगर आंकड़ा देखें तो सरकार ने बताया कि 7 जून को 1200, 8 जून को बता दिया कि नहीं, पटना में 2200 लोगों की मौत हुई, जबकि जो कोरोना प्रोटोकॉल के तहत दाह संस्कार सरकार ने कराए हैं उसके आंकड़े करीब 3200 हैं। तो ये जो फर्क है आंकड़ों में, वो यह बताने को पर्याप्त है कि बिहार सरकार और उसका सिस्टम जो पूरी तरह से करप्ट हो चुका है, कई मामलों में कोरोना से हुई मौत को लेकर भी फर्जीवाड़ा दिखा रही है। कोरोना की दूसरी लहर में हुई इन मौतों के बारे में पता कैसे लगाया गया, कैसे आंकड़े जुटाए गए, ये भी हम आपको बताते हैं। हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद बिहार सरकार ने 2 टीमें बनाई थी, जिसमें एक टीम ने अस्पतालों में मौत का रिकॉर्ड देखा और दूसरी टीम ने उन लोगों की रिपोर्ट तैयार की जिनमें कई की मौत घर में आइसोलेशन के दौरान हुई थी। कई लोगों की आइसोलेशन सेंटर, कोविड केयर सेंटर में जान गई थी, कई लोगों की मौत अस्पताल ले जाते वक्त हो गई थी और कई लोगों की मौत कोरोना से ठीक होने के बाद भी हुई थी। इसके बाद जो रिपोर्ट तैयार हुई उससे बिहार में कोरोना से मौत के आंकड़े में करीब 4000 मौतें जुड़ गईं। लेकिन बिहार में विपक्ष का आरोप है कि ये आंकड़ा भी सही नहीं है, बिहार में आंकड़ों से 20 गुना ज्यादा मौतें हुई है। देखिए, सरकार कब बता रही है, जब माननीय उच्च न्यायालय ने कहा
ये आंकड़ा डाटा जो सरकार दे रही है ये फर्जी है, आप जांच कराइए। अब जांच करा करके प्रथम दृष्टिया सरकार ने अभी करीब 4000 ये पाया गलती थी। अब बताइए जिन ग्रामीण इलाकों में जो कोरोना से जिनकी मौत हुई है उसका तो जांच ही नहीं सरकार करा पाई, और जो लाशों के अंबार पड़े थे, स्वास्थ्य विभाग जो रिपोर्ट दे रहा था, अब पटना के कमिश्नर जो कोर्ट में रिपोर्ट दे रहे थे, जो पटना राजधानी के 3 शमशान घाटों की, उसमें भी वेरिएशन था। तो ये तो स्पष्ट है कि सरकार ने जो डाटा आंकड़ा दिया वो फर्जी है। आज भी हम दावे के साथ आपको कह रहे हैं कि ये 20 गुना ज्यादा मौत हुआ है। इस मामले पर बिहार सरकार पहले से ही घिरी थी, इसी की वजह से कोरोना से मौत पर पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान भी किया था, और इसी से मौत के आंकड़ों में हेराफेरी के आरोप में अपना बचाव ढूंढ रही है। सरकार की मंशा है कि इस महामारी के समय में, संकट के समय में, जो लोग इस कोरोना के कारण संकटग्रस्त हुए हैं, परिवार आपदा में आया है, वैसे सभी लोगों तक सरकार मदद पहुंचाए। सरकार ने जो तय किया, बिहार पहला राज्य है जिसने कोरोना संक्रमण के कारण हुए मृत्यु जिस परिवार में होता है उसको 4 लाख देने का मुआवजा तय किया है। अब बिहार सरकार कुछ भी दावे करे, लेकिन सवाल सिर्फ बिहार का नहीं है, सवाल पूरे देश का है। पहली बार किसी राज्य ने कोरोना से मौत के आंकड़ों में गड़बड़ को माना है, इसलिए अब दूसरे राज्यों के आंकड़ों पर बड़े सवाल उठेंगे। उत्कर्ष के साथ सुजीत झा, पटना, आज तक। लगभग हर राज्य ऐसा है जहां पर मौतों के आंकड़े को लेकर संशय है और ये सवाल उठाए जाते हैं, कम से कम यहां से शुरुआत हुई है। कोरोना से मौत के आंकड़े को अपडेट करने पर बिहार सरकार को कई सवालों का सामना करना पड़ रहा है। बिहार सरकार अपनी बड़ाई कर रही है, विपक्षी दल उसकी बुराई कर रहे हैं। बिहार सरकार का कहना है कि आंकड़े तो देखिए सरकार ने खुद ही दिए हैं, लेकिन जब ये सवाल पूछा जाता है कि जिन पुरानी मौतों का हिसाब अब दिया जा रहा है वो पहले क्यों नहीं जोड़े गए, बहुत सारी वजह इसके लिए दिए जाते हैं, जिसमें यह भी कहा जा रहा है कि काम का लोड इतना था कि कोरोना से हर मौत रिकॉर्ड नहीं कर पाए। दूसरी लहर में जिन लोगों की घरों में मौत हो गई या अस्पताल में बेड न मिलने से मौत हुई या अस्पताल जाते जाते मौत हुई, उनके डेटा को सिस्टम में अपडेट नहीं किया गया था, इसे ही अब अपडेट किया गया है। और यही हम कह रहे हैं कि सवाल सिर्फ बिहार का नहीं है, बिहार में तो अपडेट हो गया, देश में बाकी जगहों पर क्या होगा। उत्तराखंड का नाम इसमें है जहां हाईकोर्ट ने कोरोना से मौत के आंकड़ों को ऑडिट करने को कहा है। उत्तर प्रदेश में हम देख चुके हैं कि कैसे गंगा में शव तैर रहे थे और कैसे गंगा किनारे जगह जगह शव दफन थे। झारखंड में 5 जिलों में कोरोना से मौतों का ऑडिट करने को कहा गया। राजस्थान में कोरोना से मौतों की अंडर रिपोर्टिंग के आरोप लगे हैं, वहां पर मुख्यमंत्री ने ऑडिट करने का आदेश दिया है। उड़ीसा में कोरोना से मौत के आंकड़ों के सत्यापन के लिए कमिटी बनाई गई है। तेलंगाना में हाईकोर्ट ने मौत के आंकड़ों पर विश्वास करने से मना कर दिया है। दिल्ली में ये सवाल उठे थे कि अप्रैल मई में जब 34,000 डेथ सर्टिफिकेट जारी हुए तो फिर 2 महीने में कोरोना से मौत का आंकड़ा सिर्फ 13,000 ही क्यों बताया गया। यानी हर जगह की तस्वीर कमोवेश एक जैसी ही है, बिहार ने उसे अपडेट कर लिया। मौत सिर्फ आंकड़ा नहीं होती, हर मौत में किसी न किसी परिवार का दुख शामिल होता है। उस परिवार पर पड़ने वाली भावनात्मक और कई मामलों में आर्थिक चोट का अंदाजा सिर्फ वही लगा सकता है जिसके घर में अनहोनी होती। कोरोना के संकट में मौत की आशंका से लड़ने का अभी सिर्फ एक जरिया है, वो है वैक्सीनेशन। भारत अपने कोरोना वैक्सीनेशन कार्यक्रम को दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान कह रहा है। अगर वैक्सीन डोज लगने के सिर्फ नंबर देखेंगे तो भारत का वैक्सीनेशन प्रोग्राम आपको बड़ा दिखेगा भी, लेकिन ये तस्वीर की पूरी पिक्चर नहीं होगी। सही तस्वीर समझाने के लिए हम आबादी के एंगल से आपको भारत की टीकाकरण वाली रफ्तार का तुलनात्मक आंकड़ा दिखाते हैं। लेकिन उससे पहले भारत में अब तक के वैक्सीनेशन के हाइलाइट्स को बताते हैं। भारत में अब तक 24 करोड़ 27 लाख से अधिक वैक्सीन डोज लगाई जा चुकी हैं। इनमें से पहली डोज 19 करोड़ 54 लाख से अधिक है और दूसरी डोज 4 करोड़ 72 लाख है। 9 जून को देश में 33,79,000 से ज्यादा डोज लगाई गई। जिन लोगों को कोरोना वैक्सीन की कम से कम एक डोज लगी उनमें 60 साल से ऊपर की आबादी 32.4% है, 45 से 60 साल के बीच 41.2% आबादी को कम से कम एक डोज टीका लगा है। वहीं 18 से 44 साल के बीच की 26.4% आबादी को एक डोज लग चुका है।
भारत का कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम 16 जनवरी को शुरू हुआ। पहले फेज में हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीके लगाने की मुहिम चली, फिर 45 साल से ऊपर के लोगों को टीके लगाने की मुहिम चली। 1 मई से भारत 18 साल से ऊपर सभी लोगों का के टीकाकरण की शुरुआत कर चुका है। भारत के टीकाकरण अभियान के करीब करीब 6 महीने हो रहे हैं, लेकिन भारत की 10% आबादी भी दोनों डोज के साथ सुरक्षित नहीं हो सकी है। भारत के टीकाकरण की रफ्तार को समझने के लिए बीते 7 दिन के टीकाकरण का औसत देखते हैं। बीते 7 दिनों में भारत में 29,26,000 की औसत से रोजाना टीके लगे हैं, जबकि इन्हीं 7 दिनों में चीन में 1,89,00,000 से अधिक टीके रोजाना लग चुके हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार कम से कम 75% आबादी को टीका लगेगा, तभी हर्ड इम्यूनिटी यानी वायरस का सामना करने की क्षमता समाज को हासिल हो सकेगी। वैक्सीनेशन की मौजूदा रफ्तार से चीन को हर्ड इम्यूनिटी हासिल करने में 2 महीने लगेंगे, जबकि भारत को कम से कम 20 महीने। भारत के मुकाबले अमेरिका में बीते 7 दिनों में लगभग 1/3 टीके ही लगे। अमेरिका ने 7 दिनों में 10,74,000 की औसत से हर रोज कोरोना वैक्सीन की डोज लगाई, लेकिन टीकाकरण का अपना अभियान अमेरिका पहले ही तेजी से आगे बढ़ा चुका है। उसकी आबादी भी भारत से काफी कम है और उसे अब हर्ड इम्यूनिटी हासिल करने में अगले 5 महीने ही लगेंगे। ब्रिटेन की आबादी तो और ज्यादा कम है, लेकिन उसने बीते 7 दिनों में 5,12,000 टीके रोजाना लगाए हैं। ब्रिटेन की चुनौती भारत के मुकाबले कई गुना कम है। ब्रिटेन अगले 2 महीनों में हर्ड इम्यूनिटी हासिल करने लायक टीकाकरण कर लेगा। भारत की तरह विकासशील देश ब्राजील के सामने भी वैक्सीनेशन की चुनौतियां हैं। ब्राजील ने बीते 7 दिनों में 7,73,000 की औसत से टीके लगाए, लेकिन फिर भी भारत के मुकाबले सिर्फ आधे समय में यानी 10 महीनों में ही हर्ड इम्यूनिटी ब्राजील में हासिल हो जाएगी। और ये सब इस वजह से भी है कि सबकी जनसंख्या नियंत्रण में, टीकाकरण अभियान वहां पर पूरा हो जाएगा क्योंकि उसकी आबादी कम है। रुक रहे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद आपको कोरोना वायरस के उस डेल्टा वेरिएंट के बारे में बताएंगे जो वैक्सीन लगवा चुके लोगों को भी संक्रमित कर रहा है। एम्स की नई स्टडी में वायरस और वैक्सीन लगवा चुके लोगों के बारे में जो कुछ कहा गया है वो आपको नोट कर लेना चाहिए। इसके लिए बस थोड़ा सा इंतजार, रहिए खबरदार। आप देख रहे हैं खबरदार। कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद भी लोग कोरोना से संक्रमित क्यों और कैसे हो रहे हैं, ये सवाल सभी लोगों के मन में है, जिसका जवाब दिया है दिल्ली के एम्स अस्पताल के वैज्ञानिकों ने। उन्होंने एक स्टडी की जिससे दो बड़े नतीजे सामने आए। पहला ये कि भारत में कोरोना महामारी की दूसरी लहर का जिम्मेदार है कोरोना वायरस का डेल्टा वेरियंट, जिसका साइंटिफिक नाम है B.1.617.2। इसकी पहचान सबसे पहले भारत में ही अक्टूबर 2020 में हुई थी। और स्टडी और महत्वपूर्ण नतीजा यह है कि वैक्सीन लगवाने के बाद भी लोगों में कोरोना संक्रमण का सबसे बड़ा जिम्मेदार भी यही डेल्टा वेरिएंट है, यानी डेल्टा वेरिएंट वैक्सीन के असर को कम करने में सक्षम है। डेल्टा वेरिएंट पर पहले भी कई स्टडीज हो चुकी हैं, जिनमें कोरोना की दूसरी लहर के साथ इस वेरिएंट के सीधे कनेक्शन के सबूत मिल चुके हैं। लेकिन एम्स की स्टडी इसीलिए अलग है क्योंकि ये स्टडी उन लोगों पर हुई जो वैक्सीन के बाद संक्रमित हुए थे, जिसे ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन कहा जाता है। एम्स की स्टडी में ऐसे 63 लोगों को शामिल किया गया जो वैक्सीन लेने के बाद भी कोरोना से संक्रमित हुए थे। 63 लोगों में से 10 लोगों को कोविशील्ड और 53 को कोवैक्सीन लगी थी। स्टडी में शामिल 63 में से 41 पुरुष थे जबकि 22 महिलाएं। इनमें 36 लोगों के सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग हुई। इनमें से 17 वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके थे जबकि 19 ने एक डोज ली थी। एम्स की स्टडी में जो नतीजे सामने आए वो भारत ही नहीं बल्कि 50 से ज्यादा देशों में सक्रिय डेल्टा वेरिएंट की ताकत और क्षमता को डिकोड करने में अहम साबित हो सकते हैं। आज डेल्टा वेरिएंट के खतरे और इसके संक्रमण की ग्लोबल शक्ति को हमने डिकोड किया है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर में कहर मचाने वाले कोरोना के किलर वेरिएंट की पहचान हो चुकी है। उस वेरिएंट का नाम है डेल्टा, यानी B.1.617.2। दिल्ली के एम्स में हुई वैक्सीन लेने के बावजूद संक्रमित होने वाले लोगों की जांच में पता चला है कि वैक्सीन ले चुके लोगों में संक्रमण के ज्यादातर मामलों के पीछे डेल्टा वेरिएंट है। कोविशील्ड और कोवैक्सीन के असर को डेल्टा वेरिएंट कम करके संक्रमित करने में सक्षम है। वैक्सीन की दोनों डोज लेने वाले 60% लोगों में जबकि एक डोज लेने वाले 77% लोगों को कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट ने संक्रमित किया था। एम्स की स्टडी रिपोर्ट में कहा गया है कि जांच के दौरान सभी मरीजों में वायरस लोड काफी ज्यादा था, चाहे वो दोनों डोज ले चुके हों या फिर एक डोज लेने वाले हों। कोविशील्ड और कोवैक्सीन लेने वाले दोनों ही तरह के मरीजों में वायरल लोड का स्तर काफी ज्यादा था।
ये जो रिसर्च की बात हो रही है वह उसका मेन ऑब्जेक्टिव ही है, उसमें दिया भी हुआ है कि उनका ऑब्जेक्टिव था ये देखना कि जो ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन हो रहे हैं उनमें किस टाइप के जो वेरिएंट है। और उन्होंने यही पाया कि जैसे जिस जो प्रीडोमिनेंटली जो दोनों वेरिएंट हैं हमारे डेल्टा जो B1617.2 और अल्फा जो 1.17 था कि यही प्रीडोमिनेंटली पाए गए और वही प्रीडोमिनेंटली दिल्ली में ऐसे भी जेनेटिक किस्में थे। तो मेन पर्पज ही एस्टेब्लिश करने का था कि जो ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन हो रहे हैं उनमें कौन सा ये है, तो वो प्रोपोर्शनल उन्होंने देखा है। इस स्टडी से इतना ही इन्फ्लुएंस ड्रा किया जा सकता है। वैज्ञानिकों के अनुसार डेल्टा वेरिएंट की वजह से ही दूसरी लहर में रोज 3-3 लाख से ज्यादा के मामले दर्ज किए गए। दक्षिण भारत में अभी भी सबसे ज्यादा केस सामने आ रहे हैं, इसमें भी डेल्टा वेरिएंट का ही हाथ है। कर्नाटक सरकार का दावा है कि राज्य में 93% कोरोना केस डेल्टा वेरिएंट से जुड़े हुए हैं। See, it's already existing since December. Delta variant, 93% of the people are infected with Delta variant itself. In the state, sir? Yes. That's a statement I've seen. We need to look into the actual numbers. Delta variant का असर देश के किसी भी एक हिस्से में हो ऐसा नहीं है, बल्कि देश में यही वेरिएंट कहर मचा रहा है और ये बात पहले भी कई स्टडी में साबित हो चुकी है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और हैदराबाद के आमविक जीव विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने रिसर्च में पाया कि वाराणसी में कोरोना के कम से कम 7 वेरिएंट एक्टिव थे, जिसमें सबसे घातक वेरिएंट डेल्टा ही था, जिसकी वजह से वाराणसी में कोरोना की रफ्तार इतनी तेज थी। अचानक जब हमारा सेकेंड पैंडेमिक ये बढ़ा तो हम लोगों ने दो चीज़ों को देखा कि इन्फेक्टिविटी रेट और ट्रांसमिटेबिलिटी रेट बढ़ी है। इसको देखते हुए हम लोगों ने जो है हम लोग को शक हुआ कि ये वायरस म्यूटेट हो सकता है, हो गया हो। और जब हम लोगों ने शोध किया तो पाया कि हाँ 36% ऑफ टोटल सैंपल्स जो हम लोगों ने CCMB भेजे थे उसमें से पाया कि वो वेरिएंट ऑफ कंसर्न जिसको हम डेल्टा स्ट्रेन कह रहे हैं वो पाया गया है B11617 वेरिएंट। ऐसा नहीं है कि डेल्टा वेरिएंट ने सिर्फ भारत में ही कहर मचाया हो, बल्कि ये वेरिएंट दुनिया के करीब 53 देशों में मिल चुका है। यहाँ तक कि अमेरिका में भी ये वेरिएंट चिंता का सबब बना हुआ है। 8 जून को अमेरिकी राष्ट्रपति के ट्वीट में इसकी झलक मिलती है, जिसमें उन्होंने ब्रिटेन में डेल्टा वेरिएंट के संक्रमण से देश को आगाह किया है और अमेरिकी नागरिकों को वैक्सीन लगाने की नसीहत दी है। ब्रिटेन में तीसरी लहर के दौरान नए मामलों में 60% इसी वेरिएंट की वजह से उछाल आया है। ब्रिटेन में 12 से 20 वर्ष के लोग इस वेरिएंट से बहुत तेजी से संक्रमित हो रहे हैं, जिसकी वजह से ब्रिटेन ने तो 21 जून से लॉकडाउन खत्म करने के फैसले को भी टालने का मन बना लिया है। ये डेल्टा वेरिएंट का ही असर है जो दुनिया में कोरोना की दूसरी और तीसरी लहर के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि ये वेरिएंट अपने से पहले मिले अल्फा वेरिएंट से 50% ज्यादा संक्रामक है। डेल्टा वेरिएंट का पहली बार पता भारत में अक्टूबर 2020 में लगा था। इस वेरिएंट को WHO ने बेहद घातक मानते हुए वेरिएंट ऑफ कंसर्न की श्रेणी में रखा है। डेल्टा वेरिएंट कितना घातक है इसको लेकर दुनिया भर में रिसर्च हो चुकी है और हर रिसर्च का सार यही निकला है कि भले ही वैक्सीन के असर को कम करने में डेल्टा वेरिएंट कामयाब हो, लेकिन इससे बचने का इकलौता कारगर तरीका अब भी एक ही है और वो है वैक्सीन। आज तक ब्यूरो। एम्स की स्टडी का सार ये है कि कोरोना का डेल्टा वेरिएंट वैक्सीन की एक या दोनों डोज लगवा चुके लोगों को भी संक्रमित कर रहा है। हालांकि इसी स्टडी में कहा गया है कि वैक्सीन लेने के बाद संक्रमित होने वाले अधिकतर लोगों में सिर्फ तेज बुखार जैसे लक्षण दिखे, किसी को भी गंभीर बीमारियों से नहीं जूझना पड़ा, जो राहत की बात है। और अब कोरोना की आशंकित तीसरी लहर की बात करते हैं, जिसको लेकर एक्सपर्ट्स का मानना है कि तीसरी लहर का सबसे ज्यादा असर बच्चों पर हो सकता है। हालांकि इस निष्कर्ष पर भी कुछ सवाल उठ रहे हैं, जिनके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन पहले आपको उन नई गाइडलाइंस की जानकारी दे देते हैं जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी की गई हैं। इसमें बताया गया है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को कोरोना से बचाने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। गाइडलाइंस के अनुसार बच्चों को वॉक टेस्ट करवाना चाहिए, पल्स
ऑक्सीमीटर लगाकर 6 मिनट तक टहलने के बाद अगर सैचुरेशन में 3 से 5% से ज्यादा का अंतर दिखता है तो बच्चों को अस्पताल में भर्ती करवाना चाहिए। दूसरी सलाह ये दी गई है कि बच्चों को अस्पताल में डॉक्टरों की निगरानी में बहुत ज्यादा तबीयत खराब होने पर ही नियंत्रित मात्रा में स्टेरॉयड दिया जाना चाहिए, बाकी परिस्थितियों में स्टेरॉयड्स देने की जरूरत नहीं। साथ ही यह भी कहा गया है कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों को मास्क पहनने की भी जरूरत नहीं है। जाहिर है जिस तरह तीसरी लहर से बच्चों के सबसे ज्यादा प्रभावित होने का खतरा बताया जा रहा है उससे सरकारें भी सावधान हो गई हैं, लेकिन क्या वाकई तीसरी लहर में बच्चे सबसे ज्यादा शिकार बनेंगे, इस पर सवाल उठने लगे। जब दूसरी लहर अपने पीक पर थी तभी से तीसरी लहर के खतरे का अलार्म बजने लगा और कहा गया कि तीसरी लहर के सबसे बड़े शिकार बच्चे होंगे। इस चेतावनी को गंभीरता से लेते हुए सरकारें तीसरी लहर में बच्चों को बचाने की तैयारियों में जुट गईं। अस्पतालों में बच्चों के आईसीयू बनने शुरू हो गए। दिल्ली और पटना के एम्स अस्पतालों में बच्चों पर वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल्स भी शुरू कर दिए गए जिसमें 2 साल के बच्चों को ट्रायल डोज दी जानी है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि कोरोना महामारी में कितनी ज्यादा परेशानी फैल रही है, ऐसे में मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ कि बच्चों को वैक्सीनेशन लगना बहुत जरूरी है। अगर इनको स्कूल जाने से पहले अगर बच्चों को वैक्सीनेशन लग जाती है, जैसे कि आप मेरी बच्ची देख रहे हो, ये 7 साल की है, अगर इस बच्ची को वैक्सीनेशन लगी होगी तो जब ये स्कूल जाएगी तो हमारे मन में कम से कम डर थोड़ा कम होगा। लेकिन क्या तीसरी लहर में बच्चों को खतरा वाकई इतना बड़ा है जितना बड़ा करके इसे बताया जा रहा है? इसको लेकर इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने हाल ही में एक नया दावा किया है जिसमें कहा गया है कि जरूरी नहीं कि कोरोना की तीसरी लहर बच्चों को प्रभावित करे ही। कहा गया कि बच्चों का इम्यून सिस्टम मजबूत होता है जिससे बच्चे कम संक्रमित होते हैं। पहली और दूसरी लहर के आंकड़ों को आधार बनाकर कहा गया कि संक्रमित बच्चों को भी आईसीयू की जरूरत नहीं पड़ी। अगर कोरोना की तीसरी लहर आती है तो कमजोर इम्यूनिटी वाले बच्चे ही संक्रमित हो सकते हैं। इस दावे का एक आधार ये भी है कि दोनों लहरों में जितने लोग अस्पताल में भर्ती हुए उसमें से 2.5% ही 18 या उससे कम उम्र के थे, जबकि देश की आबादी में इस आयु वर्ग की हिस्सेदारी करीब 40% है। इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के इन दावों की पुष्टि दिल्ली के एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी की है। अगर हम डेटा देखें फर्स्ट वेव का सेकेंड वेव का तो डेटा बहुत सिमिलर है और ये यही दर्शाता है कि जो बच्चे हैं वो प्रोटेक्टेड रहते हैं, उनको कम इन्फेक्शन होता है और अगर इन्फेक्शन भी होता है तो बहुत माइल्ड रहता है। और ये वायरस तो वही है, वायरस तो चेंज नहीं हुआ है, तो इसलिए ऐसा कोई लक्षण, ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है कि जो थर्ड वेव है उसमें बच्चों में ज़्यादा होगा। और ये इसलिए जिसका एक हाइपोथेसिस वो ये है कि जो वायरस है वो एस रिसेप्टर्स के साथ बॉडी के अंदर एंटर करता है और बच्चों में ये रिसेप्टर्स रिलेटिवली कम हैं एज कम्पेयर टू अडल्ट्स। ये एक हाइपोथेसिस है कि बच्चों में क्यों कम देखा जाता है, लेकिन अभी तक जो डेटा है दोनों वेव्स का उसमें बच्चों में ये कम पाया गया है, इसलिए ऐसा नहीं लगता कि बच्चों में आगे जाके पाया जाएगा, आगे सीवियर इन्फेक्शन होगा या ज्यादा इन्फेक्शन होगा। अगर तीसरी लहर में बच्चों को सबसे ज्यादा खतरा होने के दावे सिर्फ कयासों पर आधारित हैं, तो फिर क्या ये कहा जा सकता है कि क्योंकि पहली लहर में सबसे ज्यादा बुजुर्ग प्रभावित हुए थे और दूसरी लहर ने सबसे ज्यादा युवाओं को अपनी चपेट में लिया था, तो क्या इसी आधार पर कह दिया गया कि संभावित तीसरी लहर में अब बच्चों की बारी है? बच्चों पर असर को लेकर संदेह जताया जाना शुरू हो गया है, लेकिन देश में तीसरी लहर आएगी इसको लेकर कोई संदेह नहीं है। ये भारत में अक्टूबर तक हिट कर सकती है। केंद्र सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार भी इसको लेकर वार्निंग दे चुके हैं। तीसरी लहर कब आएगी, कितनी ताकतवर होगी, इसको लेकर भी सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन उसके असर को कम से कम करने के प्रयास ज्यादा जरूरी है। अस्पतालों में कोरोना मरीजों के इलाज की सुविधाओं को और बेहतर करना बड़ी चुनौती है। तीसरी वेव से बचना है तो वैक्सीनेशन की स्पीड 1 करोड़ डोज प्रतिदिन करनी होगी और सभी राज्यों को एक साथ मिलकर काम करना होगा। सिर्फ अस्पताल बना देना या फैसिलिटी को बना देना एक कदम है, उसके अलावा बहुत सारे कदम लेने होंगे। जैसे हम बात करें कि
जीनोमिक सीक्वेंसिंग है, तो सारे राज्यों को जीनोमिक सीक्वेंसिंग बढ़ाने की जरूरत है जिससे वहां पर जो वेरिएंट सर्कुलेट हो रहे हैं उनके बारे में पता चल सके। वैक्सीनेशन की बात है तो वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज करने की जरूरत है। साथ में तीसरी लहर के लिए हमें ग्रामीण क्षेत्रों पर खास ध्यान देना होगा। देश में कोरोना की दूसरी लहर अब थमने लगी है, लेकिन ये वक्त थम जाने का नहीं है बल्कि कोरोना की तीसरी लहर से युद्ध की तैयारियों में जुट जाने का है। जरूरी है कि कोरोना को लेकर तनाव को दूर करने वाली खबरें भी देखी जाएं, इसीलिए अब हम आपको पाकिस्तान से आई एक खबर दिखाते हैं जिसका वीडियो पूरी दुनिया में ट्रेंड कर रहा है। पाकिस्तान में टीवी न्यूज डिबेट के दौरान लाइव थप्पड़ कांड का यह वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर आया छा गया। इस वीडियो में थप्पड़ खाने वाले महानुभाव हैं कादिर खान मंदोखेल, जो बिलावल भुट्टो की पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के सांसद हैं, और थप्पड़ खिलाने वाली हैं इमरान खान की करीबी और उनकी पार्टी पीटीआई की नेता फिरदौस अवान। और जिस न्यूज चैनल पर यह हाथापाई लाइव टेलीकास्ट हुई उसका नाम है एक्सप्रेस न्यूज। लेकिन हाथापाई की नौबत क्यों आई, इसके लिए वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करना पड़ेगा। आपने बात की है इसको डेफामेशन में, मैं अदालत में आपने जाना। दोनों नेताओं को भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए बुलाया गया था, लेकिन वो चर्चा के बजाय आपस में ही उलझ गए। इस दौरान एंकर बेबस नजर आ रहे थे। तीसरे गेस्ट की तो हंसी छूट रही थी, और फिर बहसबाजी के दौरान ही फिरदौस ने पहले पीपीई नेता का गिरेबा पकड़ा और फिर थप्पड़ जड़ दिया। ये सब पहले पाकिस्तान के लोगों ने लाइव देखा और फिर सोशल मीडिया पर इस वीडियो ने पाकिस्तानी नेताओं की जग हंसाई करवा दी। और रुक रहे ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।